अंटार्कटिका पृथ्वी का पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप। यह एकमात्र महाद्वीप है जो अलग और शून्य आबादी वाला है। औसत रूप से अंटार्कटिका विश्व का सबसे ठंडा, शुष्क और तेज हवा वाला महाद्वीप है। यह तीनों महासागरों, भारत महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। और हम आज एक्सप्लोर करेंगे अंटार्कटिका के कुछ अनजाने राज, जिनके बारे में आपने शायद ही सुना हो। तो आप वीडियो में पूरी तरीके से बने रहे ऐसे अनजाने राज अंटार्कटिका के बारे में जानने के लिए, नहीं तो आप भी ज्ञान के अंधे हैं। क्या आपको पता है ये जगह कठिन परिस्थितियों के बावजूद जीवन से भरा हुआ है। यहाँ पेंगुइन, सील और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी और जीव जंतु रहते हैं। वैज्ञानिक बर्फ के कोर निकालते हैं, उन्हें गोलाकार दिखाते हैं जो पृथ्वी के मौसम का इतिहास बताते हैं। ये बर्फ का कोर हवा के मिश्रण, तापमान और सदियों पुरानी सभ्यताओं के बारे में कुछ कहते हैं। क्या आपको पता है कि अंटार्कटिका में अनेक रिसर्च स्टेशन है। यह महाद्वीप सिर्फ एक सदैव जीवित लैब नहीं है बल्कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए अद्भुत अनुसंधान केंद्र है। यहाँ के होने वाले अनुसंधान यानी रिसर्च से हमें जलवायु परिवर्तन और उससे होने वाले इफेक्ट के बारे में बेहतर ज्ञान मिलता है। बर्फ के नीचे अंटार्कटिका ने एक गुप्त जलाशयों का जाल बिछा रखा है जिनमें से कुछ लाखों साल पुराने हैं। इन जलाशयों में अनेक जीवन शैलियाँ हो सकती हैं जो हो सकता है कठिन परिस्थिति में भी जीवित रहने में सफल हो गई हूँ, और यह वैज्ञानिकों को नए ग्रह पर जीवन के संभावनाओं के बारे में बता सकता है। अंटार्कटिका में सबसे आकर्षक प्रकाश प्रदर्शन को देखा जा सकता है जिन्हें हम अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं या सर्दन लाइट्स। रात के आसमान में रंगीन रोशनियों का खेल देखने वाला होता है जो चार्ज पार्टिकल्स और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ होने वाले इंटरेक्शन से होता है। ये बर्फ का महाद्वीप एक ऐसे जगह पर भी गौरव का हिस्सा है जिसे हम ड्राई वैलीज कहते हैं। यह दुनिया का एक सुखद स्थल है और यहाँ दरअसल बहुत ही कम बारिश होती है। कुछ इलाकों में नियरली 2 मिलियन साल से तो बारिश ही नहीं देखी गई है, और यही सच्चाई है। अंटार्कटिका हमारे लिए एक धरोहर है और इस धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए 1959 में अंटार्कटिका ट्रीटी किया गया था। यह अंतर्राष्ट्रीय समझौता अंटार्कटिका को एक वैज्ञानिक सुरक्षित क्षेत्र घोषित करता है जिससे ध्यान रखा जाता है कि महाद्वीप को शांति पूर्ण और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए ही इस्तेमाल किया जाए। अगर अंटार्कटिका के बारे में और भी कुछ आपको फैक्ट, कुछ राज पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जब तक ज्ञान के अंधे मत बनो।